डियर फेलोज एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो टॉपिक खड़े आयो हाँ सो है इकोसिस्टम, व्हाट इज द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है। कुछ स्टूडेंट्स जो है सो कुछ जी इंटर फर्स्ट ईयर जो नाइन्थ मैट्रिक या स्टूडेंट्स आन उनके जो इकोसिस्टम में ढो मुंझारो है वो तमाम मुंझी पवंदा तो आऊँ इनके आसान तरीके से आसान कर पढ़ाई वही रो आं। सिर्फ 5 मिनट के लेक्चर में अगर तुम 5 मिनट के लेक्चर में तुम असा गड रहो तो इकोसिस्टम के बारे में जो तुम्हारा डाउट्स क्लियर थींदा। अचो ऐसू तो इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उनके चवंदा तो इकोसिस्टम जो जानदार गैर जानदार शेयर के बाह जो पान में बाह में तालुक के इकोसिस्टम चवंदा तो पान में जो तालुकात है जानदार गैर जानदार शेयर जो जी माहौल जानदार के बीच में जो है तालुकात बाहमी जो है तालुकात है बाहमी तनासुब है उनके ऐसे पा चाहता इकोसिस्टम उनके चाहता है। इकोसिस्टम में ब कंपोनेंट्स होंगे एक अबायोटिक कंपोनेंट्स बो हों बायोटिक कंपोनेंट्स तो अबायोटिक कंपोनेंट्स कड़ो हों वो ऐसू था तो अबायोटिक कंपोनेंट्स दोज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम विच बिलोंग टू नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स उनके चवंदा तो पा चूं तो अड़ी शो गैर जानदार शेयर से वास्तो रखन जो गैर जानदार शन तो उनके चाहता अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बो हों तो पा पे डिस्क्राइब किया है तो जानदार गैर जानदार शेयर के विच में जो तालुकात है उनके पा चाहता इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम में पा पढ़ियों तो अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स चाहे गैर जानदार हिस्सों है हाँ गैर जानदार हिस्सों कड़ो पा चूं तो वाटर पानी एयर सॉयल मिट्टी आई लाइट रोशनी एंड टेम्परेचर। हाँ ऐसू ता तो वाटर इंसान ऐसो पा इंसान आयो पा के पानी की जरूरत है तो वो चाहे एक जो इकोसिस्टम जो हिस्सों है जो अबायोटिक जो हिस्सों है तो पा वाटर वाटर पा डेली लाइफ में पा जो अगर पानी के सिवा पा जिंदा ना रही सूँ तो पा चवंदा तो इकोसिस्टम में पा एनिमल्स आयो पा चाहिए जानदार आयो तो पा के जरूरत पवे थी वाटर की तो इकोसिस्टम में अबायोटिक में पा ऐसू तो अबायोटिक कंपोनेंट्स जो तालुक रखन था बायोटिक कंपोनेंट्स से तो पानी अगर ना हो जा तो जानदार भी जिंदा ना सके। वरी ऐसू तो एयर हाँ पानी है एयर ना है तद भी पा जिंदा ना रही सूँ तो जो अबायोटिक कंपोनेंट्स जो तालुकात रखे तो बायोटिक से हाँ एयर एयर में पा हवा अगर हवा मौजूद ना है तो पा सह कड़े सकता तो पा ऐसा तो जो हवा है सो भी एक है तो अबायोटिक कंपोनेंट्स पर यो जानदार के लिए जो बायोटिक कंपोनेंट ला अहम है। पहुंचू था सोयल मिट्टी मिट्टी के ऐसा अगर मिट्टी के सिवा अगर ऐसो पा चूं तो बूटो पोखण है तो पा मिट्टी में ही पोखिंदा तो मिट्टी में बूटे के मिलो है उनके न्यूट्रंट्स मिलो है उनके खाधो खुराक वाटर पा वो बूटो जो पानी जो किथा हासिल कह सो हासिल कह मिट्टी में तो मिट्टी जो है सो बूटे लाइ जो बूटे अहम है तो अगर मिट्टी ना हो जा तो बूटो बन थे तो जो बायोटिक जो बूटो चाहे बायोटिका जो मिट्टी है अबायोटिका पान में चाहे तालुकात है जिंदगी गुजारन पा तो पा चवंदा चाहे वो जो है सो अबायोटिक हिस्सों है जो इकोसिस्टम में पान में तालुकात है तो अड़े तालुकात से करे पा लेक्चर के अगते बदूँ था तो पहुंचू था लाइट। हाँ लाइट जो लाइट भी अहम है ये ना तो मिट्टी है तो बस बस बूटो उनके बूटे के वधण लाए लाइट की जरूरत पवंदी है तो लाइट चाहे एक नॉन यानी नॉन लिविंग थिंग्स है यानी विदाउट लाइफ जिनकी जिंदगी जो मौजूद ना है लाइट की जिंदगी ना है वो ज बेजान शे है उनके पा जो डेली लाइफ में इस्तेमाल क्यों था तो वो ऐसो तो वो लाइट जो है जो बायोटिक लाए जो अहम किरदार अदा करे थी तो जो बायोटिक अबायोटिक जो पा में तालुकात के पा इकोसिस्टम चूं था तो इकोसिस्टम जो पा जो डेफिनेशन है उनके ऐसे करूँ था तो रियलिटी डेफिनेशन सही है या गलत है सही है इस ताई पा दिखो तो सही है डेफिनेशन। पहुंचू था टेम्परेचर अगर ऐसो अगर तक लाइट मिले पी तक वाटर मिले पो अगर तक टेम्परेचर सही नमूने ना मिलो तो जिंदगी ना गुजार सको जी एक बूटे के अगर टेम्परेचर पूरा मिलों तो वो जिंदगी जो खाधो खुराक सही नमूने हासिल कर सके तो पर इनको टेम्परेचर वी वो तो वो सड़ी वो है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड कह तो अचो हाँ ऐसू ता पा दिठोस अबायोटिक कंपोनेंट्स हाँ अची ऐसू ता बायोटिक कंपोनेंट्स कड़ा हूँ बायोटिक कंपोनेंट्स में ऐसू ता तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है दोज कंपोनेंट्स दैट बिलोंग टू लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। अड़ी शो जानदार शन जानदार शो जिंदगी जो जिंदगी जिंदगी गुजारन प्यूँ जो जिंदा शन उनके चवंदा जो है सो बायोटिक कंपोनेंट्स बायो की माना होंगी जिंदगी तो अचो ऐसू था पोच था एग्जाम्पल्स में ह्यूमन बर्ड्स एनिमल्स इंसेक्ट्स ए प्लांट्स उन यो तो पा चाहिए बायोटिक वो करे छो तो दे उ लोकोमोशन कर सन थी एक हंध का बी हंध वही सन थी तो पा चाहता वो जानदार शन
पहुँचूँ था तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइड इनटू थ्री पार्ट अकॉर्डिंग टू फूड चेन, यानी खाद्य के हिसाब से, खाद्य खाने के हिसाब से, जिंदगी गुजारण खाद्य खाने या जिंदगी गुजारण के हिसाब से जो है सो बायोटिक के तीन कैटेगरी में विराय हुआ है, तीन पार्ट्स में विराय हुआ है। वो पार्ट्स अच्छी दिसूँ था तो कड़ा कड़ा उ पार्ट्स आन वो पा आसान तरीके दिसूँ था। फर्स्ट दिसो था प्रोड्यूसर, बो हों कंज्यूमर ए टो हों डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर चाहे कंज्यूमर चाहे डिकम्पोजर चाहे पा आसान नमूने दिसो कि डिस्क्राइब हिं कर डिस्क्राइब कर अगर को भी टेस्ट में वेहो था ना तो आसान नमूने से कें भी टेस्ट जो एम सी क्यू से जवाब बिना कें सोच विचार के करी सोता। अचो नंबर फर्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कड़ा हूँ चो विच कैन मेक देयर ओन फूड, अड़ी शूँ अड़ा जानदार जो पेंो खाधो पा तैयार कर सकन तो उनके चवंदा प्रोड्यूसर। तो किए ऐसो खाधो तो तैयार कह पर किए तैयार कह तैयार कह बाय द हेल्प ऑफ लाइट, पा लाइट पढ़िया लाइट की मदद से। द लाइट कड़ी सनलाइट, सनलाइट यानी पा चाहता हूँ तो कड़ो अमल है फोटोसेंथिसिस। फोटोसेंथिसिस के अमल से जो फूड जो तैयार कहन जो जानदार उनके चवंदूँ प्रोड्यूसर। कड़ा उ प्लांट, प्लांट कहन जो है सो बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से पेंो खाधो तैयार कहन तो वो कड़ो फोटोसेंथिस के जरिए तो वो हूँ प्लांट्स। प्लांट्स कहो खाधो पा तैयार कहन इनके बो नालो दिनों वो ये आटोट्रॉफिक। आटोट्रॉफिक मीन अड़ा जानदार जो पेंो खाधो पा तैयार करें तो उनके चाहता आटोट्रॉफिक। तो जो प्लांट्स आन आटोट्रॉफिक्स आन वो प्रोड्यूसर आन छो तो वो खाधो पा तैयार कन था। तो नेक्स्ट अचूँ था डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर कड़ा हूँ डिकम्पोजर दो ऑर्गेनिक्स दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल आर आर डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी अड़ी शो मुअल जानदार शूँ कुछ जो पा चाहता हूँ तो नान इस्तेमाल थे पा उछाए छींदा उ आखिरकार वेंदू कड़े उ शूँ जी पा चाहता एक डेड बॉडी है कुछ एक जानवर मरी वो है कुछ ऐसा तो वो गायब थी है कैदा वो है। तो वो सवाल पा जो जवाब है तो वो डिकम्पोजर। डिकम्पोजर उनके उनके ब्रेक डाउन कर छा ब्रेक डाउन मन उनके खाए खत्म कर छींदा उनके खाए खत्म कर छा तो उन्दन उन्दन डिकम्पोजर। तो वो बॉडी के बटे दिन का गायब थी पा कुछ शूँ हूँ नारंगी जो छिलका उछलाइंदा नारंगी खलू जो सूफ बेकार सूफ उछलाई बसर उछलाइंदा वो आखिरकार वेंदू कड़े तो वो जवाब है तो उन्न डिकम्पोजर उनके ब्रेक डाउन कर डेड ऑर्गेनिज्म उनका डेड ऑर्गेनिज्म के खत्म कर छीन पैं जो रिवाइन जो बेहर जो सो मिट्टी के जमीन के जो फर्टिलइज कहूँ था ऐसो वो कड़ा हूँ एक हूँ बैक्टेरिया फंजाई हों वम्स जो कीड़ा हूँ एंड्स हूँ मशरूम्स ए मॉडल्स मॉल्ड्स हूँ तो वो हूँ वो इनके डिकम्पोज कर डिकम्पोज की मन हूँ जो तहलील कर मन खत्म कर छन तो उनके चवंदूँ डिकम्पोज। जो है सो पा प्रोड्यूसर ए डिकम्पोजर पढ़े चुका हूँ तो पाँच रह बो नंबर चाहो जो है सो कंज्यूमर। हाँ कंज्यूमर चाहिए ये ऐसा था तो कंज्यूमर्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। अड़ा जानदार जो पें खाधो पा तैयार न कर सकन ए खाधे से डिपेंड कन बन के खाधे से डिपेंड कन तो उन खाधे से बाणन तो उनके चवंदूँ उ कंज्यूमर आन। तो कंज्यूमर कड़ा हूँ ऐसो था तो पा चाहूँ तो कंज्यूमर जहाँ टे किस्म टे काइंड्स कड़ा कड़ा। फर्स्ट है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हाँ ऐसा था तो हर्बीवोर्स चाहन कार्निवोर्स चाहन ओमनिवोर्स चाहन। तो पेरी पेरी आए तो हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स दोज लिविंग थिंग्स विच आर विच ओनली ईट प्लांट्स, अड़ी शा जानदार जो सिर्फ प्लांट्स खाइन जो सिर्फ प्लांट्स के खाइन तो उनके चवंदूँ पा हर्बीवोर्स। उ सिर्फ प्लांट ऑन बो ना सिर्फ प्लांट्स प्लांट्स पा समझ बूटा तो उनके ऐसा तो जी पा चाहता तो गाह भाई बूटो आ गाह जी पा सिंधी में चाहूँ तो गाह बूटो आ तो उनके पा चूँ तो वो चाहे उ हर्बीवर्स एनिमल्स आन जी अचों गोट बकरी तो बकरी कहती है ओनली गाह। तो कहीं ठो है तो को बकरी कें इंसान के चक पातो नो छो तो उनो जो खाण जो है सो आए प्लांट्स वो प्लांट्स के ही चक हणंदी वो प्लांट्स ही खाइंदी इंसान के ना। पहुँचूँ था कौ डगी।
तो डगी बो एग्जाम्पल्स है हर्बीवोर्स जो तो हर्बीवोर्स जो ओनली प्लांट्स खाइन डगी प्लांट्स खाई हॉर्स घोड़ो पा बफेलोज बया जाम एग्जाम्पल्स अगर ऐसा वनू तो जाम एग्जाम्पल्स पा सिर्फ इतने कुछ मेन मेन आज उ समझा पोचा कार्निवोर्स तो कार्निवोर्स कड़ा एनिमल्स कार्निवोर्स उ एनिमल्स कार्निवोर्स आर लिविंग थिंग्स दैट ओनली ईट मीट अड़ा जानदार सिर्फ ओनली खाइन पा चूं तो मीट खाइन गोश्त सिर्फ गोश्त खाइन तो उनके चवंदासूं कार्निवोर्स एनिमल्स जानदार ऐसू तो कड़ा कड़ा द लाइन शींह तो एक कहावत है तो शींह बुख मरी वो पर गाह ना खाई तो इो ही है तो छो तो वह कार्निवोर्स एनिमल्स है वो भले बुख मरी वे पर गाह कान खाई बो वॉल्फ बगड़ बगड़ भी इो ही एग्जाम्पल्स है तो वो सिर्फ मांस खाई सही ओनली गोश्त बो न गाह वगैरह प्लांट्स के नो खाए बो क्रोकोडाइल वागू तो वागू भी ओनली मांस नॉट अदर थिंग्स ओनली मांस खाई है पोचूंता ओमनिवोर्स ओमनिवोर्स कड़ा जानवर आन उ जानवर ता एनिमल्स विच ईट बोथ टाइप्स ऑफ फूड ब किस्म जहा खाधा कड़ा ऐसू ता प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ एनिमल यानी एक तो बूटा खाइन बो तो जानवर जो मांस खाइन तो उनके चवंदासूं ओमनिवोर्स जी पा चूं त ह्यूमन बीइंग इंसान पा इंसान क्या कहता है एक वेचारी बकरी के पा चाहूस तो बकरी के पा खाई बकरी जो गोश्त वीकेंड से बकरी जो गोश्त खाई जी पा चाह तो काउज वगैरह काउज जो भी मांस खाई तो उन ओमनिवोर्स एनिमल्स पा क्या मानी भी खाई मानी कितनी लाजमी प्लांट्स में समझू तो प्लांट्स भी पा खाई ए बो तो पा जो है सो मीट यानी गोश्त फ्लेश भी खाई अचूँ ता बीहर रिछ तो रिछ भी वो एग्जाम्पल्स है रिछ मांस भी खाई अथई यानी गोश्त भी खाई अथई गाह वगैरह खाई अथई फॉक्स लूमड़ वो भी यो एग्जाम्पल्स है वो पा उनके केलो ढी तद भी खाई वो पर अगर तुम उनके कें शे जो गोश्त दियो तद भी वो खाई वो पोचूँ ता डाग कुत्तो तो कुत्तो तो आम एग्जाम्पल्स है तुम डेली लाइफ में तुम ऐसा तो वो बई शूँ खाई अथई किरो काउ वो एक पखी है तो वो पखी काउ चाहे मानी जो टुकर पे हों वो खी वो है या का जानवर जो जो मांस जो टुकर हुए गोश्त जो टुकड़ो हो तो वो भी खी वो है तो पा चाहूँ तो वो चाइन ओमनिवोर्स एनिमल्स एनिमल्स जो टू टाइप्स ऑफ यानी बोथ टाइप्स ऑफ फूड यानी ब किस्म जहा खाधा खाइन एक ओमनिवोर्स जो एक तो हर्बीवोर्स के खाइन बो कार्निवोर्स के खाइन तो उन बिन्हीं के खाने वाले के चवंदासूं ओमनिवोर्स थैंक्स डियर।